आज के लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का, जो हमारा क्लास 12 का है, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन चल रहा है हम लोगों का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में अभी तक हम लोगों ने उसका ऑर्डर डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और कोई सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मतलब कि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि वन जाहिर है कि हम लोग का जो कोर्स है वन मतलब कि तुम्हारा कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, मतलब दो रहेगा, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई डी एक्स के रूप में, ऑर्डर वन डिग्री भी वन होगा। तो हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ेंगे ऑर्डर वन डिग्री वन का, डिफरेंस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, ऐसा भी लिख सकते हो, ऑफ ऑर्डर वन एंड डिग्री वन, ऐसा ये स्पेसिफिक हम लोग का कोर्स इसी में शामिल रहेगा, डिग्री वन ऑर्डर वन का। तो इसमें जो है तीन एक्सरसाइज हम लोग को दिए हुए एनसीईआरटी बुक में, और ये तुमको जो है चैप्टर नंबर तुमको 10 है, चैप्टर नंबर 9 है, ये तुमको 9.4 अब होगा, 9.5 और 9.6, ये तीन चैप्टर होगा तुम्हारा, तीन एक्सरसाइज आई मीन। तो अभी आज का लेक्चर में हम लोग 9.3 के बारे में देखेंगे। तो तीन मेथड है हम लोग का, तीनों का जो हम लोग के सिलेबस में, तो ये तुम्हारा पहला मेथड है जो कि इसका वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है, ये वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का नाम से पता है कि दो की एक वेरिएबल एक्स और वाई होता है, तो एक्स को एक तरफ कर दें डी एक्स के साइड और वाई को एक तरफ कर दें डी वाई के साइड और उसको इंटीग्रेट कर दें, तो ये तुम्हारा क्या जाएगा इंटीग्रेशन, उसके बाद करने के बाद उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये एक्सरसाइज है तुमको 9.4 में होगा, ये एनसीईआरटी में इसका ये दिया हुआ है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन, तो इसमें है ये तुमको एक्सरसाइज होगा तुमको 9.5 में होगा ये। और इसके बाद तीसरा जो मेथड होगा लीनियर डिफरेंशियल, ये तीन हम लोग पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 9.6 में। तो ये तीन एक्सरसाइज हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा है वेरिएबल सेपरेबल, जो पहला मेथड है हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, सेपरेबल जो कि एक्सरसाइज 9.3 के लिए होगा तुम्हारा। तो इसके नाम से ही पता है कि सेपरेट एक्स विद वेरिएबल डी एक्स, सेपरेबल एक्स, सेपरेट एक्स एंड वाई ऑन टू साइड ऑफ इक्वेशन, इंटीग्रेट बोथ साइड एंड फाइंड द सॉल्यूशन, एंड फाइंड द सॉल्यूशन, मतलब ये हुआ कि x को डी एक्स के तरफ ले जाइए और उसके बाद y को डी वाई के तरफ ले जाइए, और उसके बाद अगर ऐसा कर पाए आप इक्वेशन में तो वो वेरिएबल सेपरेबल से आपका सॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि x को अगर डी एक्स के साइड ले जाने में आप सफल हो गए और y से जो बचा डी वाई के तरफ हो गया, तो दो अलग अलग साइड हो गया, एक एल एच एस में एक आर एच एस में, और उसके बाद क्या कर देंगे हम इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करने का उसके बाद अगर इंटीग्रेशन करने में आपको सफलता मिल गई तो आपका जो है डी वाई डी एक्स गायब हो गया, और इस प्रकार से वाई और एक्स में एक इक्वेशन आ गया, और उसमें एक अगर हम लोग का फर्स्ट ऑर्डर का है तो एक जो आर्बिट्री कांस्टेंट है वो भी आएगा, और अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 1-2 से पास कर रहा है कर्व वगैरह वगैरह, तो उससे सी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से क्या होगा हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग धीरे धीरे इसका जो है तुमको अब एनसीईआरटी का बाकी जो है तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल से कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, और उसके द्वारा क्या कर लेंगे हम लोग इसको और बेहतर वे में समझ पाएंगे। तो पहला जो तुम्हारा है एग्जाम्पल है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी का जो तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर कितना है 9 है। क्या है क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9। चलिए 9 में क्या है, एक्स प्लस वन बाय टू माइनस वाई। तो ये चीज दिख रहा होगा इसमें कि हम लोग इसको 2 माइनस वाई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे डी वाई के साथ, तो ये डी वाई चला जाएगा, और इधर एक्स प्लस वन के साथ किसको मल्टीप्लाई कर देंगे डी एक्स को। तो जाहिर है कि हमारा दोनों साइड क्या हो गया, इसमें ये क्वेश्चन स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम वेरिएबल जो एक्स को एक तरफ और वाई को एक तरफ हम सेपरेट क्या कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 माइनस वाई इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग डी वाई
इक्वल्स टू क्या हो गया x प्लस वन इंटू डी एक्स। देखो ये जो वेरिएबल x जो है dx की तरफ चला गया और y जो है तुमको dy की तरफ, तो वेरिएबल सेपरेट कर पाए हम लोग आसानी से, इसलिए हमारा जो ये वेरिएबल सेपरेबल से क्या जाएगा बन जाएगा। अब क्या करना है दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेटिंग विद बोथ साइड, कोई भी ऑपरेशन मैथमेटिक्स में दोनों साइड ऑपरेट किया जा सकता है तो ऑपरेट कर दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा अब हमारा 2 माइनस वाई इंटू डी वाई का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो 2 माइनस दो अलग अलग इंटीग्रेशन बटेगा, तो खैर उतना डिटेल करेंगे तो 2y हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो गया तुम्हारा x स्क्वायर बाय 2 और प्लस 1 का हो गया x और एक प्लस c। अब तुमको जहां तक है आंसर जैसे भी c, जैसे आंसर भी हो सकता है दो एलसीएम लेने के बाद इसको 2c को c कर देगा, ये तुमको अंतर पड़ सकता है। क्या आंसर क्या दिया हुआ है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे 2x माइनस, तो देखो इसको एलसीएम ले लिया और इन दोनों को अलग अलग साइड कर दिया। देखो तो ये तुम्हारा क्या कर सकते आंसर को लाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2y है तुम्हारा, इसको या तो एक साइड कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साइड, आइए एक्स वाई को क्या कर लेते हैं हम लोग से एक साइड कर लेते हैं, तो एक्स को यहां पर क्या है तुम्हारा 2y है यहां पर, तो 2y अब माइनस क्या होगा तुमको x है तुम्हारा इधर से लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 अब प्लस अभी c डैश इसको लिख दो, अभी इसको क्या मान c ने मान के c डैश मान लो, अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम को, तो ये क्या हो जाएगा सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन गया तुम्हारा 2y तो बन गया 4y, 2y बन गया 4y ना, 4y माइनस 2x बराबर क्या हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अब प्लस 2c डैश, तो क्या लाना है तुमको ये आंसर अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, इसको एक ही साइड ले लेते हैं तो प्लस 2x माइनस 4y हाँ प्लस c बराबर 0, सबको एक ही साइड रख दिया तो इधर तो क्रॉस सबको सेम ही साइड रख दिया, दो से मल्टीप्लाई करने के बाद सबको एक ही तरफ ले गए आंसर हो गया तुम्हारा। तो आंसर पुराने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि आप दो से मल्टीप्लाई करना है सी डैश किसको मानना है इस पर ध्यान रखना होता है, तो काफी आसान है इंटीग्रेट करने आ गया उसको जो है एक तरफ करके आसानी से इसको सॉल्व किया जाता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं एग्जाम्पल नंबर टेन है तुमको, तो क्या उसमें एग्जाम्पल टेन में क्या करना है तो डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, यही है तुम्हारा। इसमें भी कोशिश करेंगे कि डी वाई चल जाए, वाई चल जाए डी वाई की तरफ। एग्जाम्पल टेन डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है तो इसको नीचे ले आते हैं तो dy वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, वेरिएबल दोनों सेपरेट हो गया हमारा तो इसका इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड, तो dy वाई बाय वन प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया टेन इनवर्स वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स, और क्या है आंसर क्या लिखा हुआ है आंसर बोलो, तो हो गया आंसर, तो आंसर हो गया तुमको ये क्वेश्चन नंबर टेन हो गया। इलेवन डी बाई डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स वाई स्क्वायर, चलिए तो डी वाई बाय वाई स्क्वायर इधर ले लो फोर एक्स को धीरे छोड़ दो तो डी वाई बाय क्या होगा तुमको ये वाई स्क्वायर हो गया इधर इक्वल टू माइनस फोर एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो dy बाय वाई स्क्वायर क्या हो गया वाई पावर माइनस टू प्लस वन बाय माइनस टू प्लस वन हो गया ही। और ये क्या हो गया माइनस फोर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया माइनस फोर एक्स स्क्वायर बाय टू अब प्लस सी हो गया ये सी या सी डैश जो भी लिखना होगा बाद में टू सी डैश को सी भी लिखता है तो ये तुमको फोर से ये तुमको कैंसिल हो गया तो ये क्या होगा तुमको वाई स्क्वायर बाय टू वाई मतलब वाई पावर माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन हो गया वाई पावर माइनस वन बाय माइनस वाई यहां भी एक माइनस है तो ये भी माइनस क्या होगा खत्म हो जाएगा तुमको चलिए तो माइनस लिखना छोड़ देते हैं और ये तुमको टू एक्स स्क्वायर है ये क्या है तुमको टू एक्स स्क्वायर प्लस सी और तुमको अब इसको इधर प्लस कर दिया होगा शायद लगता है माइनस वाई को वन बाय वाई को मल्टीप्लाई कर देगा ये तो क्या है तुम्हारा आंसर क्या है
वाई फिर से बोलो हाँ टू एक्स हो जाएगा तो इसको वन बाय वाई लिख देते हैं क्या ओ अच्छा तो उसको उसको अभी काम का है अभी कर लेंगे तो कर ही लेते हैं तो प्लस सी जब क्या है एक्स बराबर क्या है जब व्हेन क्या है तुमको एक्स एक्स बराबर तो वाई इज इक्वल टू वन तो वाई इज इक्वल टू वन तो वन बाय वन लिख देते हैं बराबर टू इंटू जीरो प्लस सी तो सी का वैल्यू कितना हो गया माइनस वन हो गया सी का वैल्यू माइनस वन तो यहाँ पर सी का वैल्यू माइनस वन रख देते हैं तो आंसर क्या हो गया सॉल्यूशन वाई इज इक्वल वन बाय वाई इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन या वाई इक्वल टू क्या हो गया वन बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये ना वाई का वैल्यू हो गया तो ये तुम्हारा हो गया तो उसमें जैसे कि जो सी का वैल्यू निकालने के लिए कोई अगर वेरी दे दे तो क्या कहते हैं पॉइंट दे देगा तो उसको क्या कर देंगे उसमें डाल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये तुमको हो गया क्वेश्चन नंबर 11 हो गया ना अब है क्वेश्चन नंबर 12 तुम्हारा तो उसमें जो है इक्वेशन क्या दिया हुआ है कर्व का जो इक्वेशन निकालना है पॉइंट दिया होगा एक कर्व दिया हुआ है सर और कर्व इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा लिखते हैं रुको क्वेश्चन नंबर 11 एक कर्व का जो है तुमको इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है जिस कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और वह वन वन से पास करता है जो कि सी निकालने के काम आएगा हमारा जैसे जब ये आया था कि एक्स का वैल्यू वन रख जीरो रखने पर वाई वन था जीरो वन से जा रहा था और ये जा रहा है वन वन से तो सेम ही काम है और क्वेश्चन नंबर ये होगा 11 कि 12 नंबर होगा ये 10-11 तो हो गया तो 12 में है दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या लिखा हुआ इक्वल टू 12 हम हाँ बोलो डी वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बराबर हाँ एक्स डी वाई इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स तो ये तो एक्स तो इधर नीचे चला जाएगा ये तो डी वाई बच जाएगा इधर और सारा एक्स तो एक तरफ हो गया इधर एक्स नहीं है वाई नहीं है तो क्या होगा तुम्हारा डी वाई इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ तो डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुमको डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा तो डी वाई बराबर क्या हो गया तुमको इंटीग्रेशन टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स तो टू एक्स ना हो गया ये टू एक्स प्लस वन बाय एक्स हो गया ये वन बाय एक्स का तो लॉग एक्स होता है इंटीग्रेशन और ये तुमको हो गया डी एक्स तो अब इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ तो इसका डी वाई का तो वाई हो ही गया तुम्हारा और फिर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग क्या सीखा टू एक्स का बचा तो टू एक्स का क्या हो जाएगा तो टू एक्स स्क्वायर बाई टू मतलब टू टू कैंसिल हो गया और प्लस ही क्या हो गया तुमको एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा लॉग एक्स और प्लस सी यही हो गया तुमको तो वाई इक्वल्स टू क्या होगा इसको फिर से लिख लेते हैं वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस सी इट पासेस वन वन इट पासेस वन वन तो एक्स का वैल्यू वन तो वाई भी वन तो वन बराबर क्या हो गया तुमको ये वन स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस सी लॉग वन जीरो होता है और ये वन भी है इधर वन है तो वन प्लस वन वन तो सी इक्वल टू क्या हो गया लॉग वन जीरो हो गया सी इक्वल टू जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या हो गया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स और सी तो जीरो ही हो गया क्या आंसर आ गया वाई स्क्वायर वाई इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन ठीक है ये 12 था 13 चलो बोलो 13 अच्छा इक्वेशन हाँ तो डी वाई एक्स हो गया मतलब स्लोप दिया हुआ है कितना दिया हुआ है स्लोप एक्स कॉमा वाई पर कितना है टू एक्स बाय स्क्वायर देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है वो जिसको हम लोग डी बाई डी एक्स कहते हैं किसी जो है तुमको किसी कर्व पर जो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़े थे कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है तुमको किसी भी कर्व का डी बाई डी एक्स होता है
डी ओ बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा तुमको 2x एक्स बाई वाई स्क्वायर ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x एक्स बाय वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ये भी वेरिएबल से प्रोड्यूस हमारा से हो जाएगा, वाई स्क्वायर को किसके साथ कर देंगे हम लोग, वाई स्क्वायर को चल जाएगा चला जाएगा डी वाई के साथ, तो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल्स टू 2x इंटू डी एक्स, ये क्या होगा तुमको बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, तो 2 तो कैंसिल हो गया था, तो क्या होगा वाई क्यू बाई थ्री इज इक्वल टू वाई क्यू बाई थ्री ना ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। चलो क्या है तुम्हारा पॉइंट क्या था माइनस टू थ्री, तो एक्स की जगह पे माइनस टू लिखे इट पासिस माइनस टू थ्री, तो एक्स वाई की जगह थ्री रखेंगे तो थ्री का क्यूब बटे थ्री ये तो नौ हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया तुमको ये माइनस माइनस टू का स्क्वायर हो गया ना, माइनस तो पहले से था और माइनस टू दिया हुआ, अच्छा माइनस टू का स्क्वायर प्लस सी, तो c इक्वल टू क्या हो गया ये चार हो गया ये नौ हो गया तो पांच हो गया c इक्वल टू लगता है c इक्वल टू फाइव, तीन का क्यूब बाय थ्री है जो तो नाइन माइनस क्या होगा फोर दैट इज फाइव, तो आंसर क्या लिखा हुआ है वाई क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब बाय थ्री इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, लेकिन तो आंसर इसी ढंग से दे दिया हो गया आंसर है और तीन से मल्टीप्लाई भी नहीं किया ठीक है हो वाई क्यू बाय थ्री लगता है फ्रेम से बाहर चल भेजा सकता है बोर्ड कैमरा से देख लेगा, तो वाई क्यू बाई थ्री इक्वल टू क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, सी का वैल्यू आ गया सी का वैल्यू यहाँ रख दिया गया है, अगर तुमको थोड़ा सा बाहर भी गया हो तो समझ में आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन कर लेना था उसको। नेक्स्ट क्या है मतलब वो जो दुआ हो तुमको कि एक बैंक में है तुमको जिसमें कुछ अमाउंट को रखा गया है और वो अमाउंट पर जो है तुमको अमाउंट तो 1000 रखा गया है 1000 रुपया और उसमें 5% का पर ईयर का इंटरेस्ट है, तो कितने साल में कितने ईयर में वो डबल हो जाएगा पैसा, तो देखो इसमें जो है तुमको ये माना गया है कि अगर ये तुमको और क्वेश्चन नंबर 13 तो मानते हैं लेट अमाउंट इज पी, तो उसमें जो चेंज हो रहा है डी पी बाई डी टी दैट इज चेंज इन द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में जो चेंज हो रहा है दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको ये तुमको 5% ऑफ पी है 5% ऑफ पी तो ये 20 हो गया डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी टी बाय 20 डी पी बाई पी इज इक्वल टू डी टी बाय 20 डी पी बाई पी तो ये तुमको हो गया 1000 से क्या हो गया तुमको इसका जो अमाउंट है अब इसको डिफिनिट इंटीग्रल टाइम निकालना है तो इसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में ही कर लेते हैं जिससे कि तुमको सी का वैल्यू यहीं पर से डायरेक्ट हट जाएगा 1000 से लेके क्या जाए आपका 1000 रुपीज डबल हो जाना चाहिए तो रुपीज 1000 दिया हुआ है ये डबल हो जाएगा तो डबल होने का मतलब कितना हो जाएगी अमाउंट इसका 2000 और ये क्या होगा तुमका टाइम कितना लगेगा तो पहले इनिशियल टाइम को 0 मानिए और फाइनल टाइम को क्या मान लीजिए टी मान लीजिए तो ये क्या होगा तुमको लॉग पी हो गया और ये हो गया तुमको 1000 नीचे और लोअर लिमिट अपर लिमिट 2000 दैट्स इक्वल टू क्या हो गया 1/20 तो बाहर आ गया तुमको डी टी का टी हो गया 0 और टी ही रहा यही टी निकालना है हमको और दैट्स इक्वल टू क्या हो गया तुमको लॉग 2000 ई बेस पर ध्यान रहे माइनस लॉग 1000 इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी माइनस 0 तो टी इज इक्वल टू 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया लॉग ई बेस पर क्या हो गया तुमको 2000/1000 इक्वल्स टू तुमको टी और टी ही हो गया 1/20 आई मीन टी बाय 20
तो ये तुमको log 2 हो गया, ln 2 हो गया, तो t इक्वल्स टू 20 इंटू लॉग ई बेस पे 2, जिसको ln 2 भी कहते हैं, और ln 2 का ऐसे वैल्यू जाहिर है कितना होता है 0.693 होता है। तो ये तुमको वैसे तो तुम्हारा आंसर सर यही दिया हुआ है 20 log 2, और log 2 का ई बेस पर जो वैल्यू होता है 0.693, तो लगभग 20 इंटू 0.693 आंसर हो जाएगा तुमको 13 साल के आसपास, 13 साल से ज़्यादा, 13 ईयर से प्लस। और ये लास्ट एग्जाम्पल था, तो तुम्हारा इसी के साथ ये लेक्चर क्या हो गया, तुम्हारा समाप्त हो गया। अब तुम लोग जो है एक्सरसाइज बना लोगे, मतलब कि एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 9.4 यू हैव टू सॉल्व, और इसको सॉल्व करोगे। जहाँ भी दिक्कत है कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो, राइट फॉल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, उस पर हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी या फोन नंबर दिए हुए हैं, तुम कभी भी कॉल कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है किसी भी चैप्टर का, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी, तो कभी भी तुम हमसे संपर्क कर सकते हो और अपना पर्सनल टाइम भी अलॉट कर सकते हो। इसके अलावा इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों के प्रिपरेशन के लिए राइट फॉल ऐप काफ़ी बेहतर ऐप है, उस पर तुमको बोर्ड के लिए नोट्स या तुमको हिंदी इंग्लिश मीडियम में भी तुमको दोनों तरह के मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है, हो गया।